कैसे हो? आप सभी का हमारे केएम सिंह ब्लॉग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाना टिक्की, वो भी व्रत स्पेशल। जैसा कि अभी सोमवारी का व्रत चल रहा है सावन का, तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ साबूदाना टिक्की। तो देखिए, इधर मैंने 3 से 4 आलू को बॉयल करके ले ली हूँ और साबूदाना को मैं 3 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दी थी, उसे भी मैं आलू में मिक्स कर ले रही हूँ। मैश कर लूंगी दोनों को। इसी साइज में ऐड कर रही हूँ धनिया की पत्ती एंड हरी मिर्च, इसको बारीक कट करके मैं ले रही हूँ। सभी को फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ की सहायता से। ये बहुत ही टेस्टी बन के होता है रेडी। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मूंगफली, जिसको मैंने पहले से भून के रखी हूं। अब इसे मैं हल्का दरदरा पीस लूंगी मिक्सर जार में। इसे लगातार नहीं चलाएंगे, रोक रोक के चलाऊंगी। तो देखिए, इधर हमारा मूंगफली दरदरा पीस गया है। इसे भी अब इसमें मिक्स कर लूंगी और सभी को अच्छे तरीके से मिला लूंगी हाथ से। ये मैं बना रही हूँ व्रत के लिए, इसलिए मैं इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, नमक वगैरह नहीं डालूंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूंगी और हाथ की सहायता से इसे दबाते हुए टिक्की जैसा शेप दे दूंगी। तो देखिए, इधर हमारा टिक्की बन के हो गया है रेडी। अब इधर चढ़ाऊंगी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दी हूँ ऑयल। अब एक एक करके सभी टिक्की को इसमें डाल दूंगी और इसे मीडियम लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। एक बार आप इसे बना के देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा हमारी ये रेसिपी साबूदाना टिक्की। इसे अलट पलट करके सभी को मैं फ्राई कर लूंगी मीडियम लो फ्लेम करके। हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो हमारा टिक्की जल जाएगा बट अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। अलट पलट करते हुए इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे टिक्की में कलर आने लगा है ब्राउन, बट ये अभी अच्छे तरीके से नहीं फ्राई हुआ है। इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारा टिक्की दोनों साइड से अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है, यानी कि अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी ये दिख रहा है। अब इसे मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा साबूदाना टिक्की वो भी व्रत के लिए बन के हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी ये साबूदाना टिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी दिख रहा है हमारा साबूदाना टिक्की। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड